राम राम जी, कैसे हो आप सब। खासा फैमिली व्लॉग में सबका स्वागत है। आज फिर एक वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी प्री रानी व्लॉग और जो अंजू खासा की जो भी लड़ाई चल रही है उन दोनों के उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। भाई जो भी कुछ चल रहा है इन चीज़ों ने ख़त्म करो भाई, अच्छी चीज़ नहीं लगती है। यूट्यूब पर भी एक दूसरे ने बदनाम करना, गाली गलौज करना, तो जो भी है भाई इस चीज़ ने ख़त्म करो। तो कल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और आज मैंने ना कई बाना की और वीडियो देखी जो प्री रानी के सपोर्ट में वीडियो बना रखी है उनने। तो भाई देखो मैं बताऊँ भाई उन दो कमेंट आ, हालांकि मैंने अपने कमेंट ऑफ कर रखे हैं क्योंकि मैंने वे राजो मैंने कल वीडियो बनाई ना उस पर कहा देखा नेगेटिव कमेंट भी आना था और पॉजिटिव भी आने थे। समझ को भी नेगेटिव भी तो पक्का आने थे भाई, अपने चैनल ने ग्रो करने खातर, व्यू बनाने खातर हम उस प्री रानी का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसका कर रहे हैं या जिस मतलब दोनों किस्से का भी नाम लेकर, मतलब क्यों करें तो आना था क्योंकि कुछ चीज़ मैंने उसकी उसमें भी बोली थी, कुछ प्री रानी के उसमें भी बोली थी। और क्यों बोली थी वह मैं आपने बता दूँ भाई। देखो मैंने कल भी बताई थी एक चीज़, एक सेकेंड में फ़ोन ना फिर करते हैं बात। मैंने एक चीज़ कल भी बताई थी भाई, देखो मैं पर्सनली दोनों में तो किससे ने इतना नहीं जानती। हाँ यूँ है जो अंजू खासा उसने मैं थोड़ी सी जानू हूँ। थोड़ी सी कैसे, एक तो जित मेरी शादी हो रही जो मेरा ससुराल है यहाँ की लड़की है वो बड़ौदा की, वैसे वो रवगवान है, मतलब शादी उसकी गुआना हो रही है, मतलब गुआना रहा मैंने इतना बेरा शादी में मेरा कौन से काम है पर रवगवान है मैंने इतना बेरा। तो मेरी उससे एक दो बार बात हो रही है और जब ये टॉपिक मैंने फर्स्ट टाइम जब इसकी प्री रानी का जिस तरह व्लॉग में देखा गुरु भी, मैंने उसकी लड़की का और उसका डांस बहुत पसंद है तो मैंने वह पर्सनली पसंद है प्री रानी। तो भाई मैंने उसकी वीडियो देखी कि उसने वीडियो स्टार्टिंग में बनाई थी कि भी देखो मतलब कोई औरत है यार इतने गंदे गंदे कमेंट कर रही है मेरी गुड़िया पर, मैंने देख कर बहुत बुरा लगा था भाई, बहुत बुरा। पर मैंने जब वो देखी ना भी आई डी किसकी है वो देख कर मैं शौक भी हो गई, मैंने अपने हस्बैंड से भी देखा, मैं देखो मगर अंजू ने मगा किसे दो नूर नू कमेंट करा के भी उसने थोड़े जाना अंजू हसन है। तो फिर मैंने उस रवल की मैसेज करा फिर अंजू दो माई ओके चल रहा है मखा किसके पास के कमेंट कर दिए। फिर वो बोले कि नहीं भाभी मैंने तो कोई कमेंट ना करे और मतलब या हुआ बदनाम करने की वो करा है भाई पब्लिसिटी खातर, तो मैंने उससे बात करी थी। तो फिर मखा अच्छा माई तो फिर गलत है, मगर ये नू कर रही हैं तो भाई नू किसी ने भी नू भी नहीं करना चाहिए भी किसी का झूठा नाम लेकर ना। लेकिन फिर मैंने प्री रानी की एक और वीडियो देखी जिसमें वह दिखा भी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं जो अंजू खासा ने उस पर कमेंट कर रखे हैं, वो मैंने कल देखी वीडियो। तो मैंने वह कमेंट देखे तो भी वह चीज़ मैंने गलत लगी। तो मैंने कल उस दौरे भी एक पर्सनली मैसेज करा था अंजू दौरे भी जो भी कुछ होया ठीक है, जो भी कुछ होगा भी तन्ने कह दी उसने कह दी जो भी हो गया तो उस चीज़ ने बातचीत करके ख़त्म कर दो इन चीज़ों ने, के फ़ायदा फालतू में बात बढ़ाने की भाई कुछ नहीं फ़ायदा उसमें। तन्ने भी भाई फिर मेरे उस तो कोई आगे बात नहीं चित नहीं हुई फिर मेरी उसके साथ में कल, फिर कोई ना उसका रिप्लाई आया था फिर ना और कुछ ना, फिर मैंने दोबारा कही भाई उस तेना मैंने बोले भाई मर्जी है उसकी अपनी भाई सबकी अपनी अपनी वो है कोई क्यों करे भी कर सके। लेकिन जो भी चीज़ है किसी के पास गलत कमेंट करना बहुत गलत बात है भाई, मैं तो पर्सनली यह चीज़ को हूँ। देखो मैं बाकी किसी तरह नू वो नहीं कहती भी तने गलत करा तू गलत है और वो ठीक है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन जो चीज़ सामने दिख रही है भाई उसके पास गलत कमेंट कर रखे हैं उसकी शादी को लेकर उसके हस्बैंड को लेकर जो भी, वो उसकी पर्सनल चीज़ है। अगर आपको किसी की वीडियो या आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो आप उसने सब्सक्राइब मत करो, उसने इग्नोर करो, आप नॉट इंटरेस्टेड जो ऑप्शन आता वो करो आप उसमें, तो आपने वीडियो दिखे ही नहीं अगले की, ठीक है ना। तो किसी के पास गलत कमेंट तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये देखो यूट्यूब पे आदमी कुछ पैसा की वजह तावे हैं भाई, कंडीशन लगा लो घर की जो वो अगर फाइनेंशियल तो वो हो जा भाई, कई तो यूँ आ गए यूट्यूब पे इब मारे जिसे हैं जो वह आए अपने शौक खातर, वीडियो बनाना पसंद है डांस वगैरह करना पसंद है, तो आज नॉर्मली ये चीज़ भाई वीडियो बना लें अपना टाइम पास हो जा और पसंद है तो इस मारे मन करे तो बना ले हैं, कोई यूँ नहीं भी पैसा खातर यूट्यूब पा रहे हैं ना, कोई पैसा का वो नहीं है, बस यूँ है अपना मनोरंजन करने खातर हम यूट्यूब पे हैं, कुछ नहीं वीडियो देखे हैं जिसकी बढ़िया लगे, जिस तरह प्री रानी की वीडियो बढ़िया लगे दो तीन और भी हैं उनकी वीडियो बढ़िया लगा तो उनकी भी देखा करूँ। बाकी मैं ज़्यादातर व्लॉग देखा करूँ एक सितारा याशिन का, बस मैंने उनका बढ़िया लगा अगर उसके ऊपर भी बहुत कुछ हो रहा है बेचारी पर, हालांकि मैंने ऐसा लगा जो ज़्यादा फेमस हो जाए ना उसके साथ में हो गए ये चीज़ फिर उसके करेक्टर पर बात आ जाए उसकी
पता नहीं के निकल का आ जा है चीज़, फिर हुआ है या चीज़, यानी जो ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ा उसने खिंचन का उल्टा काम करे हैं। तो भाई तो उसने उल्टा किचन का काम करा है आदमी, उसने बढ़ता देख के कोई खुश नहीं होता, मतलब ऐसा लग गया भाई। देखो मैं तो अपने कमेंट ऑफ रखा है, अगर मैंने कल की वीडियो में भी बताई तो मैं इतनी सरदर्दी नहीं ले सकती भाई, कोई मेरे पर गलत कमेंट कर जावे उठेंगे नहीं, मेरे पे मेरे हस्बैंड पे नहीं उठेंगे कोई बेखाम का। तो इस इन चीज़ों में ना छोटी छोटी चीज़ों में मतलब छोटी छोटी बात ताकि बड़ी बात बद गए ना भाई, बता मरण जीण पर बात आ जाए फिर जो उनकी आ रही हैं ये फिलहाल में, क्योंकि देखो जो चीज़ हुई नहीं, जो प्री रानी बाण के सपोर्ट में थी वह उसने जाके गाली देवे है भाई, उसका मैंने खुद ने परसों देखी थी, कल भी देखी मैंने वीडियो पे, इतने गंदे गंदे कमेंट कर रखे उसकी पे भी जाके ने, मतलब बहुत बुरा बुरा बोल रखे उसने भी, हालांकि लेडीज़ ज़्यादा वहाँ पर भी गाली देने वाली या उसने वो करने वाली भी इतने परी पर क्यों वो करा, लेकिन बेबानो मैं तो फिर भी यही बात कहूँगी ठीक है उसने जो कमेंट करे करे, परी बाप ने भी नहीं उन सब मतलब आप सब ने भी उसके पास नहीं करने चाहिए ठीक है, होगी जो बात होनी थी वो दोनों जने आपस में सुलटा लेंगी, तो बे और ज़्यादा लड़ाई ने ना बढ़ाओ और ना वो करो बेखाम में। मैंने उसकी कल एक लाइव देखी थी, कल देखी थी जिसमें किसी ने कोई दीपिका उड्डा है उसने उस तो कह रहा कि भी थाने में आ जा, मैं थाने में हूँ और वह थाने में पहुँच रही जागा वहाँ लाइव हो रही कि मैं थाने में आ गई आ जा, तो ये चीज़ ना करो बे, नहीं अच्छा लगता अपने घर में अपने ठीक ठाक रहो, और यूट्यूब पर भी फिर देखो मतलब कुछ वो हो जाए फिर आने की सोच है वो इन चीज़ें देख के सब फिर पीछे वो हो जाए, तो इसी चीज़ ना दिखाओ यूट्यूब पे, ये चीज़ करण खातर नहीं है सोशल मीडिया, मतलब यूँ नहीं है कि यो गंद खिंडाए जाओ जो कर देते ना, अच्छी बात नहीं है भाई, अपनी बढ़िया बढ़िया जिसने व्लॉगिंग करनी व्लॉगिंग करो, जो भी कुछ ची करे अपनी वीडियो बनाओ, तो यह चीज़ ना करो भी और बात ना मत बढ़ाओ। वह दोनों परी रानी ने अपना लीगल तरीके तो अपना इस चीज़ें टैकल करन लग रही है तो उसने करण दो, थम बीच में और मत वो करो ठीक है, थम सपोर्ट कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, पर यह चीज़ ना करो जो मतलब हो रही हूँ उसके साथ पास जा कहने भी हो रही हैं जो भी है। और आज मैंने दो तीन भाणा के और व्लॉग देखे थे जो प्री रानी के सपोर्ट में है, और उन तजा के दुनिया ने कह रही है अगर हम प्री रानी का सपोर्ट नहीं करो तो हमने व्यूज चाहिए चैनल ग्रो करना चाहिए, हालांकि मैंने बेरा मेरे जो अगर कमेंट ऑन होते तो शायद मेरे पे भी आते ही ये कमेंट भाई व्यू के मारे कर रहे हो तुम प्री रानी का सपोर्ट या और कुछ, तो देखो मैं सपोर्ट इस चीज़ ने करूँ भी किसी की लाइफ के ऊपर पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहिए चाहे इसमें कोई भी हो भाई, ये भी इस चीज़ में चाहे वंजू भी बुरा मानो भाई मैं या बतकू हूँ, लेकिन देखो कुछ भी है कोई किसाए भी है चाहे कितना है बेकार है कितना है बढ़िया है, तो किसी की भी पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करने चाहिए नहीं करने चाहिए भाई। देखो मैं तो ये सजेशन दूंगी भी कमेंट नहीं करना चाहिए, तो मैं तो भाई एक और बात कहूँ इस बात ने यारे ख़त्म कर दो इन टॉपिका ने भाई, लड़ाई झगड़ा मत करो अपना अच्छी तरह सब अपना अपना काम करो, इंस्टा पर वह भी वीडियो बनाओ है उसके भी सपोर्ट करो सब ने, क्या फ़र्क पड़ा है बताओ, सपोर्ट करो अच्छी तरह, मतलब गलत चीज़ ने सपोर्ट ना करो अच्छी चीज़ें सपोर्ट करो भाई, और सब ने सपोर्ट करो अपना भाई, छोटे हैं जो भी वो बड़े हैं जो वो छोटा ने सपोर्ट कर दो, छोटे जो बड़ा ने कर दो, इस तरह सब का बढ़िया अपना चल जाओगा काम, और भाई मारे भर के शौक में बनावे हैं अपने हमने भी सपोर्ट करे जाओ, तो आखिर मैं यही कहूँगी। तो जी सारे अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करती हो चैनल ने, राम राम जी, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ।